बांदा के नरेनी थाना क्षेत्र में आज एक युवक का शव खेत पर पड़ा मिला है, जिसकी शिनाख्त शीलभद्र उर्फ बड़ा भैया के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार शीलभद्र 3 दिन से लापता था, जिसकी गुमशुदगी यह लोग दर्ज करा चुके हैं और आज 3 दिन बाद उसका शव उसी खेत में मिला है जहां से वह लापता हुआ था। शव मिलने के बाद आज परिजनों ने पुलिस पर हीलाहवाली करने का आरोप लगाया है और इसी बात से उत्तेजित होकर आज परिजनों सहित अड़ोस पड़ोस के लोगों ने अतर्रा नरेनी मार्ग में जाम लगाकर हंगामा भी किया है। हरकत में आई पुलिस ने फोरेंसिक और डॉग स्क्वाड टीम के साथ वारदात स्थल की जांच की है और अब पुलिस तहरीर के आधार पर कार्यवाही की बात कह रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मिंटू सिंह भदौरिया है, ग्राम भुसासी, पोस्ट बदौसा, जिला बांदा से हूँ मैं। ये मेरे मामा का लड़का है। क्या नाम है? इसका नाम शीलभद्र उर्फ बड़ा भैया, जो कि 18 तारीख को 9:10 में खेत पहुंचा। इसके बाद गुमशुदगी की रिपोर्ट रात में एप्लीकेशन दिया गया 9:30, उसमें कोई कार्रवाई नहीं। किस थाने में दिया था? नरेनी कोतवाली। इसके बाद जब हम लोग 19 तारीख को पहुंच रहे हैं, कोतवाल साहब तिवारी जी हैं कोई, उनसे डायरेक्ट बात होती है। उसके बाद हमारी FIR की गई 1:30 के आसपास। उसके बाद हमारी FIR की कापी दी गई और पुलिस तहकीकात में जब हम कोतवाली में बैठे थे, इसके पहले पुलिस आई कोतवाली में बैठे बैठे। शाम के लिए हमें कहा गया कि पूरी फोर्स आएगी, रात में गांव का वो होगा, लेकिन कोई भी व्यक्ति ना आया। और 20 तारीख को 9:30 सुबह जिस खेत से गुम हुआ उसी खेत के पास लाश। लाश कहाँ पे मिली है? ये लाश जिस खेत में चारा काटने गया था। किस जगह पे है ये खेत? गांव से निकलने के बाद और ये मेन हाईवे कौन सा है? पिपराहरी गाँव है। पिपराहरी गाँव है और ये मेन हाईवे जो आपका नरेनी अतर्रा संपर्क मार्ग है, इसके और गांव के दोनों के मध्यस्थ बीचों बीच है। आज दिनांक 20/9/2021 को रात 9:30 थाना नरेनी पर सूचना मिली कि थाने नरेनी के अंतर्गत पिपरही गांव में एक खेत में एक शव पड़ा मिला हुआ है। मौके पर गांव वालों के साथ ही पुलिस भी पहुंची तो सबकी पहचान शीलभद्र सिंह समरजीत सिंह उम्र 30 वर्ष के रूप में हुई। इसके शीलभद्र के संबंध में कल दिनांक 19/9/2021 को शीलभद्र के चाचा अमरजीत सिंह द्वारा गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी। मौके पर पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया, सभी एंगल से फोटोग्राफी की गई। घटनास्थल के मृतक की सभी एंगल से सभी आयामों में फोटोग्राफी की गई। सबका पंचायतनामा भरते हुए सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तहरीर लिखित तहरीर मिलने पर FIR दर्ज करते हुए आगे की विधि कार्रवाई।